Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic Indifference Curve Analysis. जैसा कि हमने previous lectures में utility analysis के concept को discuss किया था, जो cardinal concept of utility को define करता है. Economist ने एक alternative way को define किया था, that is known as the ordinal concept. और उस ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को फोकस करते हैं. थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में जो कार्डिनल कॉन्सेप्ट है उसको तो आप यूटिलिटी एनालिसिस के बेसिस पर डिफाइन करते हो, और उसमें जो ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट है उसको हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बेसिस पर डिफाइन करते हैं. ये मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के रेफरेंस में ऑल्टरनेटिव अप्रोच को डिफाइन करती है, जिसे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का नाम दिया गया है. ये क्या है? ये जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की अप्रोच है, ये कंज्यूमर प्रेफरेंस पर बेस्ड है, और इसका मानना है कि जो यूटिलिटी है उसको हम क्वांटिटेटिव वे में मेजर नहीं कर सकते. जैसा कि यूटिलिटी एनालिसिस में था, उसमें हम यूटिलिटी को प्रॉपरली क्वांटिटेटिव टर्म्स में डिफाइन कर रहे थे, लेकिन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में हम कंज्यूमर की जो यूटिलिटी है उसको क्वांटिटेटिव वे में डिफाइन नहीं कर सकते. हम ये तो बता सकते हैं कि एक कॉमोडिटी के रेफरेंस में दूसरी कॉमोडिटी से कंपेयर करने के बाद कंज्यूमर को यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है या कम मिल रही है, लेकिन हम डिफरेंस और एग्जैक्ट क्वांटिटी को डिफाइन नहीं कर सकते इस अप्रोच के अकॉर्डिंग. यानी कि ये जो अप्रोच है ये केवल और केवल कंज्यूमर की प्रेफरेंस को एक ऑर्डर में असाइन करती है, न कि उसको मनी की टर्म्स में मेजर करती है. दैट इज क्लियर. अब हम बात करेंगे कि इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट क्या है. इंडिफरेंस यानी कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस. लेकिन किस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए, पॉइंट इज दैट. तो यहां हम उन पर्टिकुलर गुड्स के कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं जिनको कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है एक ही पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर. अगर दो गुड्स के रेफरेंस में कंज्यूमर उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इस तरीके से डेवलप करता है कि किसी भी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में उसका सेटिस्फैक्शन लेवल डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो हम इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को इंडिफरेंस शेड्यूल का नाम देते हैं, और जब हम इसको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसे इंडिफरेंस कर्व का नाम देते हैं. यानी कि ओवरऑल इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू और मोर गुड्स दैट प्रोवाइड द सेम टोटल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर. कुल मिला के जो एक इंडिफरेंस कर्व है वो दो या दो से ज़्यादा गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि जो कॉम्बिनेशंस हैं वो कंज्यूमर को सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं. इसी वजह से कंज्यूमर हर एक कॉम्बिनेशन को इक्वल बेसिस पर प्रेफर करता है. कहीं भी कोई भी वो इंडिफरेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसी वजह से इसको हम इंडिफरेंस कर्व का नाम देते हैं. तो इस इंडिफरेंस कर्व को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंडिफरेंस शेड्यूल को हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. विल डिस्कस अपॉन द इंडिफरेंस शेड्यूल. यहाँ मैंने एक इंडिफरेंस शेड्यूल रिप्रेजेंट किया है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर, फ्रॉम ए बी सी डी ई एफ टू जी. दो गुड्स मैंने यहाँ पर फॉलो किए हैं कंज्यूमर के रेफरेंस में. द फर्स्ट वन इज द फूड, इट इज़ इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, एंड सेकेंड वन इज द क्लॉथिंग, इट इज़ इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स. तो यहाँ पर जब ये एक यूनिट फूड की परचेज कर रहा है और 30 यूनिट्स क्लॉथिंग की परचेज कर रहा है, सेटिस्फैक्शन लेवल इसको मिल रहा है. अभी ने क्या करा, एक यूनिट फूड की इंक्रीज करी, एक से बढ़कर दो हो गई, लेकिन जो क्लॉथिंग की यूनिट्स हैं वो 30 से सब्ट्रैक्ट होकर 24 रह गई. तो यहाँ पर ये क्या हुआ, सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रहा इस कॉम्बिनेशन में. थर्ड कॉम्बिनेशन है सी कॉम्बिनेशन में, इसने एक यूनिट फूड की और इंक्रीज कर दी, जिसके लिए इसने क्या करा, 24 से क्लॉथिंग की यूनिट्स कंज्यूम कम कर दी और वो 19 रह गई. जो अगला कॉम्बिनेशन है डी, वो 4.15 का है, जहाँ फूड की यूनिट्स बढ़ रही हैं और क्लॉथिंग की यूनिट्स कम हो रही हैं. तो ऐसे हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे जैसे हम फूड की यूनिट्स को लगातार इंक्रीज करते चले आ रहे हैं और क्लॉथिंग की यूनिट्स को लगातार डिक्रीज करते चले आ रहे हैं, तो इस तरीके से हमें फूड और क्लॉथिंग इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन लेवल इन सारे कॉम्बिनेशंस पर सेम है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है. तो हम इस पर्टिकुलर टेबल को इंडिफरेंस शेड्यूल के नाम से बुलाते हैं. अब हम क्या करेंगे, इस टेबल को एक ग्राफ की फॉर्म में, एक कर्व की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है. और ये कर्व की फॉर्म किस तरह से होगी,
यहाँ मैंने x एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया है फूड को और y एक्सिस पर मैंने रिप्रेजेंट किया है क्लॉथिंग को, ठीक है। अब वो क्या रहा यहाँ पर है ना, मैंने पहला कॉम्बिनेशन लिया, द फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज 1,30, क्योंकि मेरे पास जो फूड है वो 1 से लेकर 7 1 to 7 है, तो मैंने इसको 1 सेंटीमीटर के स्केल पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक रिप्रेजेंट किया है। और ऐसे ही मेरे पास जो क्लॉथिंग है वो 30 यूनिट्स तक है, तो मैंने 5 के स्केल पर इसको लिया है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 up to 35 तक, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने पहला कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट किया है, द फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज 1,30, तो देखिए मैं 1 for food and 30 फॉर क्लॉथिंग आई एम गेटिंग पॉइंट ए, इज दिस 2,24 सो आई एम गेटिंग पॉइंट बी, 3,19 आई एम गेटिंग पॉइंट सी इन द कर्व, 4,15 आई एम गेटिंग पॉइंट डी, 5,12 पॉइंट ई, 6,10 पॉइंट एफ एंड लास्ट 7,9 पॉइंट जी। जब मैं इन ए बी सी डी ई एफ जी पॉइंट को मैच करता हूँ फ्री हैंड से, तो मुझे एक कर्व यहाँ पर ऑप्टेन होता है। इस कर्व को क्या नाम देंगे हम, दैट इज नोन एज द इनडिफरेंस कर्व। ये एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के रेफरेंस में उसके इनडिफरेंस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये डिफाइन करता है कि जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं फ्रॉम ए टू जी, हर पॉइंट पर कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो क्या है, दैट इज सेम। भले ही दोनों गुड्स के कॉम्बिनेशन में चेंज आ रहा है, लेकिन कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन लेवल में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो हम इस कर्व को इनडिफरेंस कर्व का नाम देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द इनडिफरेंस मैप। इनडिफरेंस मैप क्या होता है, मान लीजिए कि कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ जाती है, ठीक है, तो कंज्यूमर की बाकी चीज़ें कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए, कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा, कंज्यूमर अब पहले से ज़्यादा गुड्स को परचेस करने की पोजिशन में होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से जो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल है वो पहले से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो हमें एक नया इंटरफ्रेंस कर्व मिलेगा, ठीक है। एज ए कंज्यूमर की इनकम हम लगातार बढ़ाते चले जाएँ तो हमें नए नए इंटरफ्रेंस कर्व मिलते रहेंगे, तो अलग अलग इनकम के लिए या अलग अलग इनकम पर हमें कंज्यूमर का इंटरफ्रेंस कर्व का एक सेट मिल जाता है। तो जो सेट हमें मिला है इंडिफरेंस कर्व का, दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। यानी कि ये क्या करता है, इंडिफरेंस कर्व्स की फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, ये कंज्यूमर की प्रेफरेंस की कंप्लीट पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है। सो वी कैन रिप्रेजेंट एन इंडिफरेंस मैप कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट आईसी कर्व्स एज फॉलोज। तो यहाँ पर मैंने x एक्सिस पर गुड x को कंसीडर किया है और y एक्सिस पर मैंने गुड y को कंसीडर किया है, और उसके बेसिस पर मैंने डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स को यहाँ पर ड्रॉ करा है, IC1 कर्व, IC2 कर्व, IC3 इंडिफरेंस कर्व एंड IC4 इंडिफरेंस कर्व। जब हम इन्हें कंबाइंड बेसिस पर फॉलो करते हैं तो इसे हम बोलेंगे इंडिफरेंस मैप। यानी कि इंडिफरेंस मैप डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स की फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें से हर इंडिफरेंस कर्व अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसे मान लीजिए कि स्टार्टिंग में कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन लेवल था उसके अकॉर्डिंग हमें या उसकी इनकम और गुड्स एक्स और वाई के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के बेसिस पर हमें IC1 कर्व ऑब्टेन हुआ। अब क्या हुआ, कंज्यूमर की इनकम पहले से बढ़ गई, बाकी चीज़ें कॉन्स्टेंट है, तो उसकी वजह से एक नया इंडिफरेंस कर्व हमें ऑब्टेन होगा, जिसको हम IC2 कर्व के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए इनकम और बढ़ गई, तो इनकम और बढ़ने से क्या होगा, एक नया इंडिफरेंस कर्व मिलेगा IC3 कर्व। मान लीजिए इनकम और बढ़ गई तो हमें एक नया इंडिफरेंस कर्व मिलेगा, जिसे हम बोलेंगे IC4 कर्व। तो इस तरह से जब हम डिफरेंट इनकम के बेसिस पर सेम कंज्यूमर के रेफरेंस में इंडिफरेंस कर्व की फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, इंडिफरेंस मैप का। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज नोन एज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इन शॉर्ट MRS। क्या होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्या डेफिनेशन है इसकी, दिस इज द रेट एट विच अ कंज्यूमर इज प्रिपेयर्ड to exchange a good x for good y। यानी कि हमने इंडिफरेंस कर्व में एक पर्टिकुलर पैटर्न को नोट किया था कि कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को सेम करने के लिए एक कॉमोडिटी की यूनिट्स को इंक्रीज कर रहा था तो दूसरी कॉमोडिटी की यूनिट्स को डिक्रीज भी कर रहा था। यानी कि अगर वो एक यूनिट को इंक्रीज कर रहा है तो दूसरी कॉमोडिटी की कितनी यूनिट्स डिक्रीज की जा रही हैं, या फिर एक कॉमोडिटी को अगर हम दूसरी कॉमोडिटी से एक्सचेंज कर रहे हैं तो किस रेट से इस एक्सचेंज को पॉसिबल किया जा रहा है, इस रेट ऑफ एक्सचेंज को हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का नाम देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। क्योंकि एक कॉमोडिटी की यूनिट्स इंक्रीज हो रही है, दूसरी कॉमोडिटी की यूनिट्स डिक्रीज हो रही है, तो जिस रेट से दोनों कॉमोडिटीज की यूनिट्स को एक्सचेंज किया जा रहा है,
दैट पर्टिकुलर रेट इज नोन एज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. इसका मतलब इसकी जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. MRS इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जहां डेल्टा वाई रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी वाई और डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी एक्स को. ठीक है, और नेगेटिव साइन कैसे कर रहा है कि दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशन है, यानी कि अगर एक के यूनिट्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे की यूनिट्स को हम डिक्रीज कर रहे हैं. इसी वजह से मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस किया है. तो नेगेटिव साइन दोनों क्वांटिटीज के इनवर्स रिलेशन या इनवर्स बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ वी कैन रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विद द हेल्प ऑफ द टेबल, जिसके बेसिस पर आप MRS के कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने एक टेबल ड्रॉ करी है इसके रेफरेंस में, जहाँ मैंने कॉम्बिनेशन फूड क्लॉथिंग और MRS में इस टेबल को डिवाइड किया है. ठीक है, कॉम्बिनेशन वही लिए मैंने फ्रॉम A टू G, फूड का 1 यूनिट, क्लॉथिंग की 30 यूनिट्स, बी कॉम्बिनेशन में फूड की 2 यूनिट्स, क्लॉथिंग की 24 यूनिट्स, ऐसे ही सी कॉम्बिनेशन में फूड की 3 यूनिट्स, क्लॉथिंग की 19 यूनिट्स. ऐसे ही हम फूड की यूनिट्स को लगातार इंक्रीज कर रहे हैं और क्लॉथिंग की यूनिट्स को लगातार डिक्रीज कर रहे हैं. वही पुरानी वाली टेबल लिया मैंने, जिसके बेसिस पर मैंने इंटरफ्रेंस कर्व के अप्रोच को आपसे डिस्कस किया था. नाउ अब हम इसके बेसिस पर MRS के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, क्योंकि पहला कॉम्बिनेशन है, इससे पहले कोई कॉम्बिनेशन है नहीं, तो MRS को इसके बेसिस पर डिफाइन नहीं किया सकता क्योंकि ये डिफरेंस को शो करता है. अब हम बात करते हैं जब ए कॉम्बिनेशन से बी कॉम्बिनेशन की तरफ कंज्यूमर मूव हुआ तो उसने फूड की 1 यूनिट को इंक्रीज करा और क्लॉथिंग की कितनी यूनिट्स को इसने डिक्रीज करा, 6 यूनिट्स को. यानी कि फूड की 1 यूनिट को इंक्रीज करने के एक्सचेंज में इसने क्या करा, क्लॉथिंग की 6 यूनिट्स को डिक्रीज करा, तब जाकर इसका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम हुआ. तो डेल्टा वाई कितना हो गया, चेंज इन कमोडिटी वाई 30-24 यानी कि 6, और चेंज इन फूड कितना हो गया 2-1 यानी कि 1, रेशियो कितना हो गया 6:1. तो ये MRS को रिप्रेजेंट करेगा, जो ये डिफाइन कर रहा है कि अगर फूड की 1 यूनिट को इंक्रीज किया गया है तो क्लॉथिंग की 6 यूनिट्स को डिक्रीज किया गया है. ऐसे जब बी से सी कॉम्बिनेशन तरफ मूव करता है तो बी से सी कॉम्बिनेशन की तरफ मूव करने में कंज्यूमर फूड की 1 यूनिट को इंक्रीज कर रहा है और क्लॉथिंग की कितनी यूनिट्स को कम कर रहा है, ये 5 यूनिट्स को. रेशियो कितना जाएगा यहाँ पर इसका, 5:1 हो जाएगा. सी से डी कॉम्बिनेशन की तरफ मूव हुआ, फूड की 1 यूनिट इंक्रीज हो रही है और क्लॉथिंग की 19-15 यानी कि 4 यूनिट्स डिक्रीज हो रही है, 4:1 हो गया. अगेन डी से ई कॉम्बिनेशन तरफ मूव करा, 4-5 हो गया, 15-12 रहेगा ये क्लॉथिंग, तो रेशियो कितना रहेगा, 3:1 हो गया. ठीक है, एफ कॉम्बिनेशन में 12-10 गए 2 और 6-5 गए 1, यानी कि 2:1 का रेशियो रह गया. ठीक है, और जी कॉम्बिनेशन तक पहुंचते ये रेशियो रह गया 1:1. तो क्या देख रहा है यहाँ पर, है ना, ये जो रेशियो है MRS वो लगातार डिक्रीज होता चला जा रहा है. पहले रेशियो था 6:1, फिर था 5:1, फिर हो गया 4:1, फिर हो गया 3:1, फिर हो गया 2:1 और फिर लास्ट में रह गया कितना, 1:1. तो जैसे जैसे कंज्यूमर फूड की यूनिट्स को इंक्रीज करता चला जा रहा है और क्लॉथिंग की यूनिट को डिक्रीज करता चला जा रहा है, वैसे वैसे जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो लगातार डिक्रीज होता चला जा रहा है. इसी वजह से जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या है, दैट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. इसी वजह से ये कॉन्वेक्स फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो हम इसके लिए दो रीजन्स को प्रॉपरली डिस्कस कर सकते हैं कि MRS लगातार फॉल हो रहा है, इसको हम दो रीजन्स के बेसिस पर भी क्लैरिफाई कर सकते हैं. पहला रीजन क्या है, एज कंज्यूमर गेट्स मोर यूनिट्स ऑफ फूड हिज इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर एडिशनल यूनिट्स ऑफ फूड डिक्रीजेस. जैसे जैसे कंज्यूमर फूड की 1 यूनिट को इंक्रीज करता चला जाता है, वैसे वैसे जब क्लॉथिंग की बात की जाती है और जो उसकी इंटेंसिटी है, मतलब जब फूड की यूनिट्स को लगातार इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि फूड के रेफरेंस में जो एडिशनल यूनिट के रिगार्डिंग उसकी डिज़ायर है या उसकी जो डिज़ायर की इंटेंसिटी है वो लगातार डिक्रीज होती चली जाती है, और लगातार डिक्रीज होने की वजह से वो क्लॉथिंग की कम से कम यूनिट में उसको रिप्लेस करना शुरू कर देता है या एक्सचेंज करना शुरू कर देता है. ठीक है, सेकेंड रीजन क्या है इसके अंदर, मोस्ट ऑफ द फूड्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स फॉर वन अनदर, सो MRS डिमिनिशेस अदरवाइज रिमेन कॉन्स्टेंट. क्योंकि जब हम दो गुड्स की बात करते हैं तो दो गुड्स के रेफरेंस में जब हम सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता है, और इस इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन की वजह से जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो लगातार डिमिनिश होता चला जाता है. अगर ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता तो उस केस में जो रेट ऑफ एक्सचेंज होता वो सेम रहता, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता. तो ये दो रीजन्स हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो MRS है वो लगातार डिमिनिश होता चला जाता है. इसी वजह से जो इंडिफरेंस कर्व है उसका जो शेप है दैट इज कॉन्वेक्स डाउनवर्ड तो है,
लेकिन डाउनवर्ड के साथ साथ इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. थैंक यू.